लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। पितृदोष सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि शहर और देश पर भी होता है। इंदौर शहर के पितृदोष को खत्म करने के लिए ही जन सहयोग से पितृ पर्वत का निर्माण करवाया गया है और अब इस पितृ पर्वत पर व्यक्ति के साथ चक्र सहित 1,25,000 सुंदरकांड के पाठ से सिद्ध की हुई हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। वे आज इंदौर में पितृ पर्वत पर होने वाले आयोजन की तैयारी के संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंदौर में पितृ पर्वत की स्थापना के बाद शहर का विकास बढ़ा है। अब इस पितृ पर्वत पर पितरेश्वर हनुमान धाम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने जा रहा है। विजयवर्गीय के मुताबिक 19 दिवसीय इस आयोजन के दौरान इंदौर शहर में मिनी कुंभ का स्वरूप नजर आएगा। यहाँ संतों के सानिध्य में आध्यात्मिक चेतना का संदेश शहर से दिया जाएगा। विजयवर्गीय ने बताया कि आयोजन के दौरान देश की सबसे बड़ी कलश यात्रा के साथ नगर भोज का आयोजन भी होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर में मध्य प्रदेश नहीं देश की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा पितरेश्वर हनुमान धाम जिसका नाम है और आप सब जानते हैं पितृ पर्वत पर विराजित हुई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज से प्रारंभ हो गई है। 19 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा होगी है। यह समारोह बहुत ही भव्य होगा, मिनी कुंभ की तरह होगा। बड़े बड़े संत परम पूज्यपाद गुरु शरणानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद अवधेशानंद जी महाराज, बाबा रामदेव जी, उदासीन आश्रम के श्री महंत रघुमुनि जी, अनेक महामंडलेश्वर इस समारोह में सम्मिलित होंगे और बहुत सारे साधु संत वहाँ पर एकत्रित होकर साधना करेंगे। एक मिनी कुंभ की तरह होगा वो, और ये सभी साधु संतों का आगमन 23 फरवरी के पश्चात होगा। आप सब जानते हैं पितृ पर्वत पे इंदौर शहर के नागरिकों ने अपने पितरों की याद में पेड़ लगाए हैं। लगभग 1,00,000 से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं, तो लोगों की भावनाएं भी वहाँ से जुड़ी हुई है। और जैसा मैंने कहा पहले भी कि हमने कुछ वास्तुविदों को इंदौर बुलवाया था कि इंदौर का विकास कैसे हो, तो उन्होंने कहा था कि भाई पितृदोष है शहर पे भी, जैसे व्यक्ति पे पितृदोष होता है वैसे शहर पे भी पितृदोष है, तो इस पितृदोष को दूर करने के लिए ही ये पितरेश्वर हनुमान, पितरों की पूजा और पितरों के नाम पर पेड़ लगाने का आयोजन हमने प्रारंभ किया था। वहीं पुलवामा अटैक की पहली बरसी पर जहां देह में शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है, वहीं राजनीतिक हलकों में सियासत भी तेज हो गई है। पुलवामा कांड पर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए 3 सवाल जिम्मेदारों से पूछे हैं। राहुल गांधी का पहला सवाल है कि पुलवामा कांड से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, दूसरा मामले की जांच में क्या सामने आया, और तीसरा कि सुरक्षा में हुई चूक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया। राहुल गांधी की इस ट्वीट के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को नादान बताते हुए कहा कि राहुल गांधी नादान है इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल पूछा है। पुलवामा अटैक जैसे मामलों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। विजयवर्गीय का कहना है कि मैं नादान नहीं हूं और राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देकर कोई नादानी नहीं करूंगा। विजयवर्गीय का कहना है कि सेना पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। उन्होंने विपक्ष से भी इस मामले में राजनीति नहीं करने की अपील की है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। देखिए ऐसा है कि कुछ विषय ऐसे रहते होते हैं जिसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। राहुल जी नादान है, मैं नादान नहीं हूँ कि उनके प्रश्न का जवाब दूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रश्न पूछना भी चाहिए और ये नादानी भरे प्रश्न हैं उनके।
इसका जवाब देने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।